हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाइन डिस्टेंपर वायरस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो समझते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया होते क्या है। देखिए, वायरस और बैक्टीरिया का सबसे पहले तो हम कंपैरिजन देखते हैं साइज़ को लेके। तो बैक्टीरिया का जहाँ तक सवाल है, ये बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू वायरसेस इन साइज़। तो सबसे पहला तो डिफरेंस इन दोनों में ये हो गया, और दूसरा परहैप्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वायरस जो है इनको एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दैट मीन्स कि उनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक उनकी बॉडी में वो एंटर नहीं करते हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं। ठीक है, आपने याद रखना। लेकिन जहाँ तक सवाल है बैक्टीरिया का, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको किसी भी तरीके का कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो कि ईजिली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक वायरस और एक बैक्टीरिया के बीच में। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक है वो है किनाइन डिस्टेंपर। तो ये किनाइन डिस्टेंपर बेसिकली है क्या? देखिए, ये एक डिजीज़ है। डिजीज़ है, किस तरीके का डिजीज़ है? क्या ये बैक्टीरिया के चलते होता है कि वायरस के चलते होता है? जी हाँ, ये एक वायरस के चलते होता है, इसलिए इसको वायरल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो वायरस के चलते होता है, तो उस वायरस का क्या नाम है? देखिए, उस वायरस का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मोरबिली वायरस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो इससे कैनिन डिस्टेंपर करके ये जो डिसीज़ है, इससे अफेक्टेड कौन कौन होता है? तो बहुत से आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉग्स हो गए, कोयोट्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, पांडास हो गए, वुल्व्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से नंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैं जो कि इस तरीके के कैनाइन डिस्टेंपर डिसीज़ से अफेक्टेड हो सकते हैं। अच्छा, इन केस अगर कोई वाइल्ड स्पीशीज़ अगर इसे अफेक्टेड हो जाता है, फिर उस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये जो वायरस है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल को प्रभावित करेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल क्या होता है? ये खाना खाने से लेकर, ठीक है, मल के रूप में जब तक आप भोजन को त्याग नहीं देते हो, उसके बीच में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, उन सभी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कहा जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को ये अफेक्टेड करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्टेड करता है। तो नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल होता है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओगे? कुछ और बेसिक्स बातों पर नज़र डालते हैं केनाइन डिस्टेंपर डिसीज़ को लेके। सबसे पहले तो ये कैसे फैलता है? देखिए, फैलने का जहाँ तक सवाल है, तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसको आप समझ सकते हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें अगर ये वायरस जो है, अगर वो है उसमें, तो वो अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बाइट करेगा तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। एयर से ये ट्रांसपोर्ट जो है ये हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वही फिर अगर बाइट किया जाता है एक अफेक्टेड, जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट है, अगर वो किसी दूसरे हेल्दी इंसेक्ट को अगर वहाँ पे बाइट करता है, तो इस केस में ये ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है। सिम्टम्स पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। इन केस अगर कोई एनिमल इससे अफेक्टेड हो जाता है, तो उसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर हाई फीवर है, रेडन आइज हो जाते हैं, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़ एंड आइज, है ना, पानी वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, लिथार्जी, बहुत ही थकावट जो है इनको हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं। हाँ जी, इसको बचा कैसे सकते हो? प्रिवेंशन क्या इसके लिए अवेलेबल है? देखिए, ऐसा द हिंदू का लिखना तो है कि डिस्टेंपर वैक्सीन अवेलेबल है इसके लिए, इसको रोकने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड वेबसाइट है, जैसे कि विकिपीडिया हो गया और बहुत से दूसरे भी ऐसे वेबसाइट्स हैं, उनका ये कहना है कि इसके लिए अभी फ़िलहाल कोई जो वैक्सीन है अवेलेबल नहीं है। तो आप खुद का अपना रिसर्च कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कैरी कर सकते हो। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान का, उसके आसपास के इलाकों में कई डॉग्स जो है उनको टेस्ट किया गया, और उनमें से 86% जो डॉग्स थे, ठीक है, 86% डॉग्स ऐसे थे जो कि पॉजिटिव निकले, किसको लेके? कैनिन डिस्टेंपर, केनाइन डिस्टेंपर डिसीज़ से। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड अब कंसर्न्स आपके क्या निकल के आ रहे हैं? देखिए, कंसर्न्स ये निकल के आ रहे हैं कि अगर यहाँ के जो डॉग्स अगर वो अफेक्टेड है इससे केनाइन डिस्टेंपर डिसीज़ से, तो इससे खतरा और भी बढ़ जाता है यहाँ पे रहने वाले दूसरे टाइगर्स और लेपर्ड्स को भी। ठीक है, ये कंसर्न का मामला है। बैकग्राउंड पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्या ये अपने आप में एक नया केस था, क्या किनाइन डिस्टेंपर करके वायरल डिसीज़ जो है क्या इंडिया ने पहली बार देखा? देखिए, ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर भी इसके बहुत से केसेस आपको देखने को मिले थे। इनफैक्ट गिर फॉरेस्ट में देखने को मिले थे, जहाँ पे 20 ऐसे शेर थे जो कि इसे अफेक्टेड हुए थे इस किनाइन डिस्टेंपर डिसीज़ से। तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन ही है, प्रिवेंशन ही यहाँ पे क्योर है, हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा। हालांकि प्रिवेंशन है बहुत मुश्किल, क्योंकि आप देखिए, जंगल में अगर कोई डिसीज़ होता है तो अलग अलग इंसेक्ट्स को होता है, अलग अलग एनिमल्स को होता है, तो उन सभी को काउंटर करना, इकट्ठा करना, उन पे उनको सुपरवाइज़ करना, ये है तो बहुत मुश्किल काम। मुश्किल काम तो है, लेकिन है क्या कि
अगर एक बार आप बहुत ही बड़े लेवल पे अगर ये कार्य शुरू कर देते हो तो इसका इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। मुश्किल टास्क जरूर है लेकिन हमको करना पड़ेगा एनिमल वेलफेयर के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत जो हमको फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि ये जो डॉग्स होते हैं अब ये डोमेस्टिकेटेड तो होते नहीं, घर में नहीं रखे जाते, जंगल में है, तो उनको सुपरवाइज़ कैसे किया जाए, उनको कहाँ पे देखा जाएगा कि कौन सा इन्फेक्टेड है, उस पर कैसे निगरानी वगैरह रखी जाए। तो थोड़ा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क ज़रूर है लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। क्या कर सकती है गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकती है, अलग अलग तरीके के जो वैक्सीनेशन है, चाहे वो हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था कि आपका केनाइन डिस्टेम्पर का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। ये टाइम ऐसा है कि अभी रेबीज़ का भी यहाँ पे वैक्सीनेशन कर ही देना चाहिए। अब थोड़े से फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। फैक्ट्स ये कहता है कि सबसे पहला ये केनाइन डिस्टेम्पर, यस ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे मेरे से, आप करेक्ट कर लेना स्पेलिंग को, डिस्टेम्पर है ये, डिस्टेंटर नहीं है। तो केनाइन डिस्टेम्पर का जो फर्स्ट अकरेंस आपको देखने को मिला था वो स्पेन में 1761 में देखने को मिला था, और इसका जो वैक्सीन है वो भी तैयार कर लिया जाता है एक इटालियन बायोलॉजिस्ट के द्वारा जिनका कि नाम था पुनटोनी। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपने याद रखना है कि ये डिसीज़ बेसिकली एक बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, किस स्टेट में आपको अभी रिसेंट इसका अकरेंस देखने को मिला। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ना काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।